सवाल कीजिएगा भारत की सरकार से कि क्यों नहीं सुनते अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, क्यों आपने कान बहरा और आंख अंधा करके रखा हुआ है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्षद बनिएगा, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनिए और एमपी बनिएगा, अपने आप जो है पर्चा भरिएगा और चुनाव की रणनीति में जरूर आइएगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, दूसरे आपकी कुर्सी छीनेंगे और यूं ही करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहेंगे। तो भी ये 10 बुलडोजर को पार करके चली जाती है। ये है मैडम क्योदा याजी जी, मैं हमारे एक माननीय सांसद जी है असम से, वो इंडिपेंडेंट एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट श्री नव कुमार सारनिया जी। तो मैं उनका तहे दिल से अपने मंच पर स्वागत करना चाहती हूँ। सर प्लीज कृपया करके यहाँ आइएगा, आप असम से और हम अरुणाचल से, तो हम सारे नॉर्थ ईस्टर्न भाई भाई है। सर आपके भाई बहन यहाँ रो रहे, बिलख रहे, प्लीज सर आपके आशीर्वाद की जरूरत है सर, प्लीज सर। दिल्ली से जितना पार्टी है उसका जितना सिम मिनिस्टर है उसको पहला मतलब क्या होता है, दिल्ली को सेटिस्फाई करना है। वहां से लोगों से सीन के कितना पैसा लाके पार्टी को दे सकते हैं, इलेक्शन में लगा सकते हैं, वही मुद्दा है। और इसके लिए उन्होंने आप लोग जैसा लोगों का पैसा वो सीनता है, वो तो अपना तो घर महल बनाता है, ऐसो आराम से जीता है, वो दूसरा बात है। लेकिन दिल्ली में देने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी हो, मैंने बहुत सारा पॉलिटिशियन से हमने बात किया है हमारा, क्योंकि उनसे खुले में नहीं बोलता है लेकिन थोड़ा अंदर में बोलता है, भाई ऐसा ऐसा हमको ऐसा ऐसा देना पड़ता है, नहीं तो कुर्सी कब तक जाएगा पता नहीं है, वो आपने कुर्सी बसाने के लिए। तो इसलिए सारा इंडिया में जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अगेंस्ट में भी हमको लड़ना है, क्योंकि अगर यही सिस्टम रहेगा हमारा लोगों से मुँह से वो सीन के अगर पैसा डेवलपमेंट का पैसा वो पार्टी को देगा उनके पावर के लिए, हमारे आवाज़ को दबाने के लिए, तो ये तो चलते रहेगा, फिर हम लड़ते रहेंगे। तो आइए हम सब मिलके, सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, सारा इंडिया में पहला है हमने डेमोक्रेसी को। बोलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज 26 नवंबर संविधान दिवस पर आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामना। आज आप सब लोग संविधान दिवस के अवसर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में आए, इसके लिए आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। मेरा नाम सावित्री बाई फूले है, मैं पूर्व सांसद हूँ और भारत की बहुजन समाज के लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैंने सांसद पद छोड़ा और बीजेपी पार्टी को छोड़कर आपकी लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हूँ। आप सभी लोग आए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे अपील करूंगी कि जो लड़ाई आपकी वही लड़ाई हमारी है, हम सब दोनों मिल करके भारत के संविधान को बचा लेंगे, लोकतंत्र को बचा लेंगे, तभी हमको बराबर का हक मिलेगा। संविधान अगर ना होता तो हम महिलाओं को पंच से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला होता, और यह अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान में दिया है। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर हम शपथ लेकर के जाए कि भारत के सभी समाज, बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के संविधान को लागू कराने का कार्य करें, इसके लिए हम सब लोग आंदोलन के साथ खड़े हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अपील, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी प्यारी बहनों, चाहे भारत का कोई भी कोना हो, दिल्ली में सबका हक संविधान के तहत आप लोगों को दिलवा के रहेंगे। मैं भी सरकारी नौकरी छोड़कर एक्स एमपी राजकुमार सैनी जी के साथ अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर लाखों की आप लोगों के लिए दिल्ली में संघर्षरत हैं। हम किसी भी हिस्से में हमारे किसी भी भाई या बहन का कोई भी हक हम छीनने नहीं देंगे। एंड नव कुमार सरनिया जी इंडिपेंडेंट जो है सांसद रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्षद बनिएगा, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनिए और एमपी बनिएगा, अपने आप जो है पर्चा भरिएगा और चुनाव की रणनीति में
जरूर आइएगा, जब तक आप आगे नहीं आएंगे दूसरे आपकी कुर्सी छीनेंगे और यूं ही करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहेंगे। तो अपनी अपनी कुर्सियों पर कब्जा करना सीखिएगा। महिलाओं की महिलाओं का आरक्षण 50% होना चाहिए, 50% MP होनी चाहिए, 50% MLA और 50% जो है सरपंच होनी चाहिए। लेकिन हमारी हिस्सेदारी की कोई बात नहीं करता है। हमें सिर्फ बलात्कार दिया जाता है, हमें वेश्यावृत्ति दी जाती है और हमारा शोषण दैहिक शोषण होता है। तो इन सब को रोकने के लिए हम दिल्ली में आपके साथ जब भी कहेंगे तब हम जो है आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच माननीय ऑनरेबल MP नव कुमार सरनिया जी और उनके मित्रगण, हमारे पूर्व सांसद मैडम। उसी रास्ते से जहाँ से हम पैदल होकर के आए हैं, हम अरुणाचल प्रदेश से पैदल निकले और दिल्ली तक का सफर तय किया, तो सबसे पहला राज्य हमने छुआ वो है आसाम। और आप उसी आसाम धरती से हो और यहाँ पर आज दिल्ली में मिले, बहुत ही एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। थैंक यू सर, यहाँ पे आए, आपने वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट दिया और आपने सही चीज़ों में, सही मायनों में, सही शब्दों में आपने हमें सच्चाई की तरफ और हमारे संविधान, हम हर सब कहते ना, खास करके अरुणाचल वालों, जो मेरा बुरी अम्मा लोग हैं, गांव से बस्ती से आया है, आप लोग एक वर्ड संविधान सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू भाई जी ने बोला है, कौन सा संविधान में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर का फैमिली बिजनेस नहीं कर सकता है, टेंडर नहीं डाल सकता, ऐसा वो वर्ड सुना है ना? आप लोगों को पता नहीं होगा संविधान मतलब क्या है, आप लोग तो बहुत मासूम हो, आप लोग गांव में रहते हो। संविधान एक ऐसा किताब है, हम लोग इंडियन है, इंडिया एक कंट्री है और इस कंट्री को कैसे कंट्रोल में रखना है, कंट्री में रहने वाले जितने भी समुदाय के, जितने भी कम्युनिटी के, जितने भी लोग हैं, उनको कैसे खुश रखना है, उनको क्या हक देना है और उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, और अगर कोई अपने कंट्री के अगेंस्ट कुछ करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होना है, ये सारे चीज़ें हमारे संविधान किताब में है। उस किताब का नाम है संविधान और हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, हम उस संविधान के दायरे में रह कर के ही बोलते हैं। एक प्रकार से अगर हम मान ले धरती का, भारत देश का अगर हमारा कोई भगवान है तो वो हमारा संविधान है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट हाउस जो है, इस धरती पे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा होंगे, लेकिन सबसे पवित्र अगर कोई मंदिर है भारत देश का तो वो है हमारा भारत का सांसद भवन। उस भवन में हमारे भारतीयों के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार होता है, बहुत सारी नीतियां बनाई जाती है और हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक सुनहरा संविधान हम लोगों के लिए जो स्थापित किया है, उस संविधान के अंदर अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स या कुछ भी करना हो, तो बदलाव लाना हो, कोई संशोधन लानी हो, तो भी हम अपने इंडियन पार्लियामेंट हाउस में हमारे जितने भी MPs है, अरुणाचल से 3 MPs है, माननीय श्रीमान किरण रिजिजू जी जो MP नहीं बल्कि इस देश के नीति और कानून के मंत्री जी है, वो मोदी जी के सरकार में, और दूसरा MP है हमारा ईस्टर्न अरुणाचल से श्रीमान तपिर गांव जी, और तीसरा हमारा राज्यसभा का MP है श्रीमान नावम रिबिया जी। ये तीनों MP सांसद भवन में बैठते हैं, इंडियन पार्लियामेंट हाउस में, और उसको वहां तक हम लोगों ने भेजा है, आप लोगों ने, हम लोगों ने भेजा है, और ये जो एक प्रक्रिया है, जो एक प्रोसीजर है, ये पूरा संविधान के अंदर से होके जाता है। तो खास और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे भारत देश का संविधान दिवस है, तो संविधान दिवस में सर आप आए और हमें 2 शब्द आशीर्वाद के दिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पता नहीं था कि आप हमारे सामने ऐसा कोई कार्यक्रम चल रहा है, हम तो अपने नॉर्मल रूटीन से हम अपना धरना कर रहे थे, आप आइए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सर आप नोटिस से हो, सर हम काफी महीने, पिछले 2 महीने से यहाँ जंतर मंतर पर चिल्ला रहे हैं, हम यहाँ डटे हुए, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तो हम अपनी तरफ से टीम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के तरफ से सर आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारा जो मुद्दा है उसको आप संसद में जरूर उछालिएगा, संसद में उछालिएगा
और करप्शन के ऊपर, खास करके अरुणाचल प्रदेश में चल रहे ऐसे करप्शन के ऊपर आप जरूर वहां आवाज उठाइएगा और हमारे मुद्दों पर चर्चा कीजिएगा, सवाल कीजिएगा भारत की सरकार से कि क्यों नहीं सुनते अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, क्यों आपने कान बहरा और आंख अंधा करके रखा हुआ है। ये सवाल सर आपको पार्लियामेंट में एंट्री है तो हम अपना जो मेमोरेंडम का कॉपी है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लीज सर हमारे हक के लिए एक आवाज पार्लियामेंट के अंदर बोलिएगा। थैंक यू। ऐसे मेरी आवाज भी दबी हुई है, बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि पिछले दो दिन पहले हमारे साथ बहुत बुरी घटना घटी है, इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगी। खैर अभी के लिए हम अपने कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे कि मेरे पत्रकार मित्रों आप लोग भी सावधान से गौर फरमाइए क्योंकि ये जो आप लोगों की जो पत्रकारिता है ये एक तरफ कहे तो अमृत है, दूसरी तरफ कहे तो जहर है। आप लोग जितना प्रकाशित करते हो चाहे वो खबर झूठी हो या सच्ची हो, आप लोग हर एक तरीके से खबर चला देते हो और वो खबर जनता के बीच में एक आग की तरह फैल जाती है और जनता उसको सुनकर देखकर कभी कभार जनता धोखे में चले जाते हैं और विश्वास कर बैठे हैं। तो इनमें आप लोगों का भी बहुत योगदान रहा, रोल रहा, कभी मुझे गंदा चरित्रहीन तुच्छ नारी साबित करने में तो कभी मुझे एक अच्छी माता, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी साबित करने में। ऐसे ही जब से मैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मुहिम लेकर अरुणाचल से दिल्ली तक आ रही हूँ, पैदल चलते चलते मैं दिन भर पैदल चलते चलते थक जाती थी, रात को मैं बिलक बिलक कर रो कर जहाँ पर भी मुझे जगह मिलती थी वहाँ सो जाती थी। तो उस बीच में अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे भी नारियाँ हैं जिसको अगर हम सूर्पनखा की दर्जा भी दे तो भी कम है। डायन भी सात घर छोड़ के ही जाती है, डायन जो होती है सुनते हो ना आप लोग, डायन भी सात घर छोड़ देती है, लेकिन ये जो तीन महिलाएं हैं, ये तीन महिला उनमें से दोनों मेरी अपनी भाभियां हैं, दोनों ने मुझे, ननद तो बहुत दूर की बात है, दोनों ने एक इंसानियत तक का भी वो नहीं रखा। तो ऐसी नारियों ने एक गंदी साजिश रची जिसको रचवाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जो आसमान में बैठते हैं, पेमा खांडू जी आसमान में बैठते हैं, हम सारे अरुणाचल के जनता सड़क पर बैठते हैं, हम सड़क चाप लोग हैं। ये सच कहा आपने मिस्टर पेमा खांडू, तुम आसमान में सोते हो, सैटेलाइट में घर बनाकर रहते हो, हम जमीन पर रहते हैं तो हम सड़क चाप लोग हैं और हम गर्व से कहेंगे कि हम सड़क चाप लोग हैं। वी आर वेरी मच प्राउड दैट वी आर स्ट्रीट बेगर्स। यस, किसने बनाया हमें सड़क चाप? तुमने बनाया पेमा खांडू। हमारे हिस्से का पैसा खा करके तुम राजमहल बना करके आराम से एसी कमरे में रहते हो और किसी समारोह में जाकर के कहते हो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन सड़क चाप लोग है, उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ पूरे अरुणाचल प्रदेश के जनता से, कितने प्रतिशत लोग है जो महलों में रहते हैं और कितने प्रतिशत लोग है जो सड़कों पर रहते हैं? हमारे पास तो घर भी नहीं है, हमारे पास रहने को पक्का मकान नहीं है, इसीलिए हम सड़क चाप है। और इसी एक सड़क चाप नारी के चरित्र को चरित्रहीन बताने के लिए तुम लोगों ने इतनी गंदी साजिश रची कि एक मासूम लड़की को कहीं से उठा करके मेरे खिलाफ बयानबाजी करवाया, मुझे गंदे कार्यों में लुप्त होने का बताया। वही बहन आज खुद सुधर कर समझ कर उसकी अंतर आत्मा जागी है, वो बहन यहाँ पर पहुंच चुकी है दिल्ली के जंतर मंतर में। तो मैं बुलाना चाहूंगी बहन, हमारी प्यारी बहन तन्या जूली जी को, तन्या जूली उर्फ जुनू जी को, आप एक बार आइए और हमारे पूरे भारत देश के जनता को अपना एक बार चेहरा दिखाइए और दो शब्दों में बताइए कि किस तरीके से गंदी साजिश रची गई तो को शीतल को बदनाम करने के लिए। आप लोग सबको देगा बोल के जो सही बात है, सही बोलने के लिए आया है हम, जो और जो मैं गलती किए हमको माफ कर दो, सबसे मैं माफी मांग क्षमा मांगती हूँ मैं। और ये दीदी को जो गंदा बात बोला उसके लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ, सिस्टर से भी मैं माफी मांगती हूँ।
और जो ये दिन जो तीन तीन लेडीज ने मुझे इसके ऊपर में गलत बात बोलने दिया, मैं वो लोगों बात को सुन के मैं गलत बोला, तो जो भी बोला बहुत गलती बोला। हम सबसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ कर दो, बहन या बेटी का सोच के हमको माफ़ कर दो। थैंक यू। छोटी बच्ची है, कच्ची उम्र की लड़की है, औरत है कच्ची उम्र की, वो बच्चों की माँ है, और पहली बार इस तरीके से जंतर मंतर के मंच से बोलना हर एक के लिए बहुत कठिनाई की बात है। ये बेचारी बहुत मासूम है, इनोसेंट है। आप लोग देखिए इनको किस तरीके से मोहरे बना करके मुझे जाल में फंसाने के लिए, ताकि मैं ये करप्शन के अगेंस्ट में आवाज ना उठा सकूं, राज्य सरकार के घोटालेबाजों के ऊपर में मैं आवाज बुलंद ना कर सकूं। इसीलिए मेरी आवाज को दबाने के लिए ऐसे मासूम लड़कियों का सहारा लिया गया, और मुझे बदनाम करने के लिए इनके नाम से FIR दर्ज करवाए पुलिस स्टेशन में, जिसके ऊपर उन लोगों ने मुझे सम्मन तक इशू किया। उनका बस चलता तो मुझे यहाँ से घसीटता हुआ अरेस्ट करके ले जाते। मैंने तो बोला भी था मुझे अरेस्ट करके ले जाऊं, लेकिन वो आए नहीं। जो भी हो, खैर, बहुत बहुत धन्यवाद जूली बहन जी, आपने अपनी गलती को स्वीकारा और यहाँ तक दिल्ली तक खुद पहुंचकर जंतर मंतर के इस मंच से आपने ये टेस्टिमोनी देके साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी इस देश में बसता है। जहाँ राक्षसों का शैतानों का डेरा है, वहां पर जूली एक मिसाल है कि जूली के अंदर आज भी इंसानियत बसती है। जोरदार तालियां जूली के लिए।